लेते हैं कि जो आज सावित्रीबाई फूले का जन्म उत्सव मनाया गया है, उस बीच में जो बहुत समाज सेवी हैं जिन्होंने इंडिया में ही नहीं, भारत में नहीं, विदेशों के अंदर भी जा जाके बाबा साहब के नाम को आगे बढ़ाने का काम कराया, मानवर कांशीराम साहब के नाम को आगे बढ़ाने का काम कराया, ऐसी शख्सियत हमारे बीच में वीर सिंह बोध जी आज जो प्रोग्राम मनाया गया सावित्रीबाई फूले का, इसका क्या एक तात्पर्य, क्या मकसद है, इससे क्या लोगों को लाभ मिलेगा? इसका ऐसा है ना कि आज माता सावित्रीबाई फूले को जन्म लिए करीब करीब 187 ईयर हो चुके हैं और आज भी, और विशेष रूप से माता सावित्रीबाई फूले का जो जन्मदिन हम मना रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य ये है कि आज समाज की हालत ठीक नहीं है, और ठीक इसलिए नहीं है कि हमने उन माता सावित्रीबाई फूले को फॉलो नहीं किया है। तो आज हम उस चीज़ को दोबारा से देखना चाह रहे हैं कि कहाँ गलती हुई कि हम इधर फिर वैसे की वैसी हालत में आ गए हैं, जहाँ कभी हमें आगे बढ़ना चाहिए था, हम नहीं बढ़ पाए हैं। समाज चारों तरफ डर का माहौल है और आज जबकि हमारे पास सब कुछ है, यानी कि तथागत बुद्धा का ज्ञान है, अमेरिका रिटर्न में है, उसके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, देश में भी हैं और विदेश में भी हैं, उसके बाद हमारे संत गुरु महाराज हैं, कबीर साहब हैं, गुरु रैदास जी हैं, गुरु वाल्मीकि जी हैं, चोखा मेला है, नामदेव है, इतने हमारे गुरु हैं और उनके भी रिटर्न में ज्ञान है, उसके बाद फूले साहब हैं, साहू जी महाराज हैं, उनका भी रिटर्न में ज्ञान है, उनके लाखों फॉलोवर और अनुयायी देश में भी। उसके बाद हम आ जाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के जी, लाखों करोड़ अनुयायी हैं, देश में भी हैं, विदेश में भी हैं, मान्यवर काशीराम साहब के हैं, ज्ञान है रिटर्न में, उनके भी अनुयायी देश और विदेश में हैं। ठीक, फिर हम आते हैं कि आज हमारे पास संविधान भी है और हमारे पास बाबा साहब का दीवा लोकतंत्र भी है, जिसमें बहुजनों का शासन होना चाहिए था मगर यहाँ तो अल्पजन का शासन है। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारी संख्या शिक्षित लोगों की भी ज़्यादा है, सर्वणों के बराबर ही सुनकर शिक्षित है, कम नहीं है, उससे आगे है आज की डेट में। उसके बाद वोट भी हमारी ज़्यादा है, वोट भी हमारी ज़्यादा है, संख्या भी हमारी ज़्यादा है, और भारत सरकार के खजाने में जो टैक्स के रूप में पैसा देने वाले हैं वो भी हमारे लोग ही ज़्यादा हैं, इनकी जो धर्म चल रहा है उसको भी हम ही लोग चलाने वाले हैं, फिर भी हमारी हालत ऐसी आज ठीक नहीं है। इसलिए हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं, कोई भी अपने महापुरुषों को, गुरुओं को, पीरों को इसलिए याद करता है, या तो खुशी में याद करता है या समस्या में याद करता है। खुशी में याद करता है तो इसलिए करता है कि तुमने जो दिया उसका मैं एहसान मंद हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और दुख में या समस्या में याद करता है इसलिए याद करता है कहाँ मेरे से भूल हुई, कहाँ मैं आपका बताया हुआ लेसन या जो रास्ता मैं छोड़ दिया है उसको दोबारा से मैं देखूँ, इसलिए उनको याद करते हैं। आज भी जो MCD में मनाया जा रहा है, MCD जो भारत की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली में दो सरकारें हैं, एक केंद्र की है एक स्टेट की है, और दोनों के बीच में है MCD फंसी हुई, कभी वो और कभी वो, इधर MCD में इतने विभाग हैं, अगर MCD में ये माता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन मनाया जा रहा है, इसका बहुत बड़ा आगे परिणाम आने वाला है, क्योंकि अगर MCD के 25% लोग भी फूले साहब और बाबा साहब और माता सावित्रीबाई फूले की विचारधारा को अगर उन्होंने समझ लिया, जान लिया 25% भी, तो MCD के लोगों की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी मैं आपसे एक जानकारी ले रहा हूँ, आप समस्या का समाधान बाद में होता, जहाँ लोग अपने महापुरुषों को मान करते हैं, सम्मान करते हैं, उस जगह जाते हैं तो उन पर नहीं आता, उन पर इस तरीके के अटैक होते हैं। अभी मैं बात करूँ कि जैसे भीमा कोरेगांव के अंदर लोग गए थे वहाँ पर महापुरुषों को श्रद्धांजलि देने के लिए या सल्यूट करने के लिए, उन पर नियत ऐसे अत्याचार हुए। उसका कारण ये है ना कि जिनकी संस्कृति ने हमारे लोगों को गुलाम और गरीब बनाया हुआ है, उस संस्कृति को छोड़कर हमारे लोग अपनी संस्कृति को जानने लगे हैं, इसलिए उनकी सामाजिक सत्ता, उनकी राजनीतिक सत्ता, उनकी आर्थिक सत्ता, उनकी धार्मिक सत्ता को चुनौती है, और जो चुनौती देने वाले हैं उनका सब कुछ हिलता है, इसलिए वो आक्रमण करते हैं।
ये एक मेन कारण है ताकि हम लोग उस अपनी संस्कृति को जागरूक ये जान ना सके। अच्छा, निश्चित रूप से अब जिनको नहीं भी पता था या जो कम समझते थे या जो इसका उत्सव नहीं मना रहे थे, अब ये उनके लिए एक बहुत अच्छा हो गया और नए साल की शुरुआत ही आगे से भीमा कोरेगांव के जो गौरवशाली इतिहास से शुरू होगी, ये हमारे लिए अच्छी बात है। और आपने त्यौहार के रूप में होगी और आपने देखा भी होगा कल परसों की जो पेपर है उसमें भाजपा भी और आरएसएस भी इससे चिंतित है कि हमारे से कहाँ गड़बड़ हुई है, ये क्या हुआ, इतने लोगों को जागरूकता ला दी एक ही दिन ने। आप पेपर की बात कर रहे हैं और मीडिया की बात कर रहे हैं, अभी 9 तारीख को ऐसे एक भीमा कोरेगांव को लेके एक धरना प्रदर्शन था तो वहाँ सुबह से मीडिया कह रहा है कि यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं है, कोई पुलिस ने परमिशन नहीं दिए, तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भरोसा करते हैं या सोशल मीडिया पर ज़्यादा भरोसा करते हैं? नहीं, अभी तो जो है ना कि सोशल मीडिया ही है हमारे पास जो है, उनके मीडिया पर अगर भरोसा होता तो आज देश को आजाद हुए भी आप लोगों ने 47 से आज कितना हो गया है जी, करीब करीब 70-71 साल हो गया है और संविधान बने करीब 68 ईयर हो गया है, तो अगर उनका मीडिया काम कर रहा होता ईमानदारी से तो ये व्यवस्था ऐसी सिस्टम कभी का ठीक हो गया होता। जैसे आप देखते हो कि संविधान कहता है समानता, संविधान कहता है स्वतंत्रता, संविधान कहता है बंधुता और संविधान कहता है न्याय, मगर समाज में जब आप जाओगे समानता को ढूंढने के लिए इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आपको समानता दिए को लेके जाओगे तो ढूंढने को नहीं मिलेगी, आप स्वतंत्रता ढूंढने जाओगे दिए लेके भी तो स्वतंत्रता दिखाई नहीं देगी, ऐसे ही बंधुत्व आपको दिखाई नहीं देगा, गांव-गांव में घर-घर में नहीं दिखाई देगा, न्याय तो इससे भी दूर की बात है। संविधान कुछ कहता है, समाज कुछ कहता है, अगर ये उनके मीडिया ने काम किया होता तो आज ये सिस्टम बहुत बढ़िया एक समानता का हुआ होता।